नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले जो DRDO का कंट्रीब्यूशन है इस COVID-19 या फिर वुहान वायरस के अगेंस्ट जो फाइट है, उसकी कमांड DRDO ने फ्रंट में आकर संभाली है। और कुछ ऐसे की एलिमेंट है जिसमें DRDO कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको जान लेते हैं। तो तकरीबन 50,000 जो लीटर्स है सैनिटाइजर्स के, वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं DRDO के द्वारा। वहीं पर तकरीबन 20,000 जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है यानी कि PPE, वो पर डे DRDO डिलीवर करने में सक्षम है। वहीं पे अभी फिलहाल तकरीबन 10,000 जो N99 मास्क है, और ये N99 मास्क वो मास्क है जिसमें जो चार लेयर है वो दी गई हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से देखोगे तो आपको N95 से ऊपर मिलेगा। और इस तरह के तकरीबन 20,000 जो मास्क है पर डे, वो डिलीवर करने की जो तैयारी है वो चल रही है। वहीं पे बात करोगे वेंटिलेटर की, तो DRDO की जो लैब है RCI, उसके बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आकर एक स्पेशल तरह का जो वेंटिलेटर है उन्होंने वो बनाया है, जिसके थ्रू एक ही प्लेटफॉर्म से मल्टीपल जो पेशेंट है उनको कवर किया जाएगा। तो इस वेंटिलेटर को लेके जो भी मोटर्स हैं यानी कि ब्रशलेस DC मोटर जो कि अमूमन मिसाइल में लगते हैं, तो उस तरह के मोटर और पंप्स यहाँ पे साइंटिस्टों ने जो वेंटिलेटर्स हैं उनमें लगाए हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए जो फंडिंग है वहाँ पे उसे वैज्ञानिकों ने अपने पॉकेट से लगाए हैं। और इसमें जो भी साइंटिस्ट है वो अभी जहाँ भी है, वो जिस जगह भी है, तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये जो इंस्ट्रक्शंस है एक दूसरे को दी जा रही है। तो इस तरह के जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो DRDO ने एक कम समय में बना के दिए हैं। स्पेशली बात करूँ वेंटिलेटर की, तो वेंटिलेटर का जो डिजाइन है उसको 3 दिन के अंतराल में बनाया गया है। वहीं पर DRDO द्वारा बनाया गया एक और सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पर्सनल सैनिटाइजेशन इनक्लोजर यानी कि PSE। तो इस सिस्टम के अंतर्गत अगर इसके गेट से कोई पर्सनल एंटर करता है तो उसको डीइनफेक्ट करने के लिए जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है उसका एक छिड़काव करता है ये इलेक्ट्रॉनिक पंप के थ्रू। तो ये कुछ इनोवेटिव सिस्टम्स है जिसको लेकर DRDO सामने आई है। अगले अपडेट में बात कर लेते हैं जो कि रशिया की तरफ से है। और इस खबर के अकॉर्डिंग रशिया ने भारत को 3 रिनोवेट किए गए जो किलो क्लास सबमरीन है वो ऑफर किए हैं, जो कि एक कन्वेंशनल सबमरीन है यानी कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो ये रशिया ने ऑफर किया है, और इसको लेकर जो बज है वो और भी तेज हो चुका है कि भारत दूसरी तरफ जो P75-I है उसकी प्लानिंग कर रहा है, जिसके अंतर्गत वो और 6 के नंबर में कन्वेंशन सबमरीन बनाने वाला है। और यहाँ पे ऑलरेडी रशिया की तरफ से जो किलो क्लास सबमरीन है उनके ऑफर हैं, जिनको रिनोवेट करके अपग्रेड कर दिया गया है। जो भी इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या फिर सेंसर और सोनार है, तो उन सबको अपग्रेड कर दिया गया है। तो रशिया का यह पूरा का पूरा पैकेज 3+3 का है, मतलब 3 रिनोवेट किए गए सबमरीन और 3 ही भारत के जो किलो क्लास सबमरीन है जो कि बहुत पहले प्रोक्योर किए गए थे, तो उनका जो रिफिट है उसका ये प्रपोजल है, मतलब 3+3। तो रिफिट प्लस इनोवेट किए गए 3 सबमरीन, इसकी जो लागत रूस मांग रहा है वो तकरीबन 1.8 से लेके $2 बिलियन के बीच में है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है, बहुतों का मानना ये है जिसको नेवी भी देख रही है, कि ये 3 सबमरीन ले लिए जाए रशिया से, और 3 जो फॉलो अप ऑर्डर है P75 के अंतर्गत बनाए जाने वाले MDL और नेवल ग्रुप के बीच में स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन यानी कि कलवरी क्लास सबमरीन वो जो बन रहे हैं उसका जो फॉलो अप ऑर्डर है 3 के नंबर में दे दिया जाए। तो 3 आपके हो गए रशियन सबमरीन फॉलो अप ऑर्डर के कलवरी क्लास सबमरीन, तो ये 6 आपके हो जाएंगे, जो कि एलिमिनेट कर देता है P75-I को, क्योंकि P75-I को लेके भी काफ़ी टाइम जा रहा है। सो अभी इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को देखते हो तो इंडियन नेवी को एक सबमरीन का जो नंबर है उसको बढ़ाना है। और दूसरी तरफ नेवी ये भी चाह रही है कि जो नेवी का प्लान है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाने का, उसको भी जल्द से जल्द ट्रैक पे लाया जाए। और दूसरी तरफ आपको जो P75-I है उसमें भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो इन सबको अगर आप टेबल पर रख के देखते हो तो बहुत सारे मत ऐसे हैं कि जो P75-I है उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, और जो अभी करंट में चल रहा है P75 यानी कि कलवरी क्लास सबमरीन जो 6 सबमरीन बन रहे हैं, तो उसके जो ऑर्डर हैं उसी को एक्सटेंड कर देने चाहिए। और अभी जो कंप्लीट फोकस है वो भारत के जो SSN है उसको डिजाइन और डेवलप करने में लगाना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड ही ऐसे सबमरीन है जिनको सरफेस पाने की जो जरूरत है वो कम पड़ती है। तो अगर आप टेक्निकली देखते हो तो भारत के पास इस तरह के अपने कोई सबमरीन नहीं है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन हो, सिर्फ हमारे पास है तो INS चक्रा है। सो अगर ये ऑफर इंडियन नेवी लेती है तो इंडियन नेवी को एक क्विक टाइम में तकरीबन 6 के नंबर में जो सबमरीन है वो मिल जाएंगे, कम पैसे में मिल जाएंगे, क्योंकि आप P75-I में भी तकरीबन 6-10 बिलियन डॉलर के अराउंड जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले हो। तो इन सबको आप देखोगे तो अभी ज़्यादा जरूरत यह है कि आप न्यूक्लियर सबमरीन पे फोकस करो। अगर जो ये रिनोवेट किए गए सबमरीन रशिया दे रहा है उसकी फ्रेम लाइफ ज़्यादा है, तब भी हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेवी के पास तकरीबन 10 के नंबर में जो किलो क्लास सबमरीन थे वो प्रिक्योर किए गए थे, और जिनकी जो डिलीवरी है पहला सबमरीन वो 1985-86 में किया गया था, और जो लास्ट किलो क्लास सबमरीन है इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया था सन 2000 में। तो अगर आप अमूमन सबमरीन की जो फ्रेम लाइफ है वो देखते हो तो 40 ईयर्स मानी जाती है। तो हमारे जो 2 किलो क्लास सबमरीन है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, एक तो 2013 में जो हादसा हुआ था उसका शिकार हो गया था INS सिंधु रक्षक, और वहीं पे जो दूसरा है INS सिंधु वीर, जिसको हमने म्यांमार को दे दिया। तो ये 2 सबमरीन हमारे अभी किलो क्लास के तकरीबन 8 सबमरीन भारत के पास है। तो जो किलो क्लास का लास्ट सबमरीन भारत को मिला है सन 2000 में, उसकी अगर आप देखते हो फ्रेम लाइफ
तो वो जाती है 2040 या फिर 2035 तक। तो इस तरह से जो ऑफर है रशिया का रिनोवेट किए गए किलो क्लास सबमरीन का, अगर इसके फ्रेम लाइफ ज़्यादा होती है मतलब 2040 से ऊपर जाती है तो भारत को इस ऑप्शन के बारे में एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एंड मोटिव ये है कि 6 के नंबर में जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो और लिए जाएं, और इसीलिए हम P75-I कर रहे हैं। अगर P75-I को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो हमारा जो फोकस है वो SSN यानी कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन पे हो पाएगा। तो बहुत सारे विचार ऐसे हैं कि 3 जो फॉलोअप ऑर्डर है वो दे दिए जाएं कलोरी क्लास सबमरीन के, और 3 ये जो रशियन ऑफर है वो ले लिए जाएं। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।